दोस्तों कैसे आप सब, आशा करते हो कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो हमारे पास है होंडा का जैसे कि एक्सप्लेड, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि देख पा रहे हो होंडा का एक्सप्लेड है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये इसका हम सर्विसिंग काम करने वाले हैं। और जैसे कि देख पा रहे हो कितना दिन सर्विसिंग नहीं हुआ इसका, तो हम फुल सर्विसिंग करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम भी है इस गाड़ी में जो कि मैं बताने वाला हूँ, जो कि मैं पहले बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए ये हमने कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, जब एक आवाज आ रहा है जैसे कि किच 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 आवाज आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक किस चीज का आवाज है हम ये बताने वाले हैं। तो कहीं पे ले गया था फ्रेंड्स इस गाड़ी को, तो उन्होंने मतलब दिखाया, दिखाने के बाद बोला था कि हैंडल का जो होता है ना बॉल बियरिंग, जैसे कि बॉल ड्रेसर कॉन्सेट जो होता है उसको चेंज करना पड़ेगा या तो खुल के देखना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने ऑयल वगैरह थोड़ा बहुत दिया है इस जगह पे, तो देखेंगे हम किस जगह से आवाज आ रहा है। बाकी में वही की आवाज है कि उस जगह से आवाज नहीं आ रहा है। और दोस्तों हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसका जो टैंक होता है ना पेट्रोल टैंक किस तरीके से खोला जाता है, ये हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो एक साइड का पैनल खोल दिया और एक साइड का बाकी है खोलना। जैसे कि एलंकी स्कूप लगा हुआ एक साइड में लगा हुआ दो, और जैसे कि मैं दिखा दूं फ्रेंड्स आवाज जो आ रहा है ध्यान से सुनिए पता लगेगा फ्रेंड्स। काफी ज्यादा आवाज आ रहा है फ्रेंड्स इस जगह से, मतलब आ रहा है, ठीक है इस जगह से आ रहा है। चलिए क्या करते हैं, आवाज किस जगह से आ रहा है वो हम बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे हम टैंक खोलना देख लेंगे किस तरीके से खोला जाता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता है। जैसे कि फ्रेंड्स इस साइड का पैनल खोलने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर जो पुश होता है ना, पुश वाला जो मतलब प्लास्टिक लॉक होता है, पुश वाला लॉक जो होता है वो दिया रखा था इस जगह पे, तो हमने खोल लिया कुछ इस तरीके से। इसको भी साइड कर देंगे और एक फाइनली बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स। देख पा रहे हो कितना धूल मिट्टी भरा हुआ है इसके अंदर में, तो फुल सर्विसिंग कभी भी किया ही नहीं शायद। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स और क्या क्या खोलना पड़े, बने रहिए दोस्त वीडियो में, वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगेगा जरूर, क्योंकि नॉलेजेबल आपको भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। जो टैंक है इसके टैंक को खोलने के लिए क्या करेंगे हम, जो 10 mm की जो बोल्ट है दोनों को खोल लेंगे पीछे से, ठीक है ना, कि इसे प्लास्टिक खोलेंगे, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम ये दोनों बोल्ट को पहले खोल लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमने क्या किया दोनों को बोल्ट को खोल लिया ऊपर से, ठीक है। अब क्या खोलना है फ्रेंड्स, ये जो वाला एलंकी है ना फ्रेंड्स 6 mm का, उसको भी खोलना है। और दोस्तों ये जो पुश वाला देख रहे हो पुश लॉक जो होता है उसको भी खोलना है इस जगह से, दूर से देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इस जगह से पुश लॉक को खोलना है। और जो एक नीचे दे रखा है, ठीक है, इस जगह से मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हो फ्रेंड्स इस जगह पे एक स्क्रू दे रखा है, इसको भी खोल लेते हैं। उसके बाद सेम उस साइड को भी हम खोलेंगे, उसके बाद टैंक हमारा बाहर आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं खोलता है या नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो क्या किया हमने, जो इस साइड का जो था सेम तीनों बोल्ट और उस साइड का भी तीनों बोल्ट क्या किया हमने खोल लिया, ठीक है स्क्रू को। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो 8-10 mm की बोल्ट था उसको भी खोल लिया। अब क्या करना होगा, अंदर से जो टैंकी का जो पाइप होता है ना फ्रेंड्स उस पाइप को खोलना होगा, उसके बाद आसानी से आ जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हो आ रहा है। चलिए उसको भी खोल लेते हैं, खोल के मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो इसका टैंक खोलना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया फ्रेंड्स, दोनों 10 mm के बोल्ट को खोला और इस साइड से तीन को खोला, ठीक है, एक एलंकी, एक इधर से स्क्रू और एक यहाँ पे पुश, ठीक है, सेम उधर भी है, ठीक है। तो खोल लेने के बाद हम क्या करेंगे पाइप वगैरह खोल लेंगे, उसके बाद बढ़िया से आ जाएगा, जैसे कि आ गया, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर टैंकी का रबड़ दे रखा है और ये सब ABS वाला सिस्टम दे रखा है, ठीक है। चलिए क्या करते बढ़िया से हम वॉश कर लेते हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो इतना गंदगी लगा हुआ है, शायद कभी भी टैंक खोल के वॉश इसका हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। और क्या करेंगे फ्रेंड्स हम बढ़िया से इसको वॉश कर लेंगे इस तरीके से, और थोड़ा बहुत खोलेंगे क्या इस जगह से हम हाफ चेन कवर वगैरह थोड़ा बहुत खोलेंगे, खोलने के बाद बढ़िया से हम वॉश कर लेंगे इसको। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा होगा लाइक कर दे दीजिएगा, ठीक है। इसका टैंक जैसे कि देख पा रहे हो कितना बड़ा है, बड़े आकार का है, जैसे कि और जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स प्लास्टिक से भरा हुआ, हॉर्नेट का भी बिल्कुल सेम है, लगभग ऐसा ही है। और हमको कहीं पे इसको टिका के रखना है इस तरीके से। चलिए क्या करते हैं हम वॉश करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो हाफ चेन कवर वगैरह खोल चुका है सारा कुछ। अब क्या करना है वाले हम वॉश करने वाला है। और दोस्तों मेन टॉपिक जो है इस वीडियो का, ठीक है, जैसे कि हम शुरुआत में बताए थे, तो फ्रेंड्स इसमें क्या था एक आवाज आ रहा था, जैसे कि
अभी भी आ रहा है, ठीक है। ये जो आवाज है ना फ्रेंड्स, कहीं और जगह पे जैसे कि दिखा था उन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह डाल के आवाज मिटाने की कोशिश किया था, पर आवाज नहीं मिटा। तो फाइनली आवाज जो है फ्रेंड्स, ये जो क्लच का वायर है ना फ्रेंड्स, जो देख पा रहे हो, क्लच वायर जो है इस जगह पे अटैच हो रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा इस जगह पे अटैच हो रहा है और टाइट है काफी ज्यादा। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जब हमें हैंडल को मोड़ रहा है ना, इस जगह पे मतलब आवाज आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस जगह से काफी ज्यादा आवाज कर रहा है। तो अभी थोड़ा कम हो चुका है, जैसे कि इस जगह से आवाज आ रहा है। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, चाहे तो आपका गाड़ी में अगर आवाज आ रहा है तो चाहे तो आप क्या कर सकते हो, ये जो केबल है इसको चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा टाइट हो जाता है, पर अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा खोल देना, ठीक है। ये जो लॉक दे रखा है ना फ्रेंड्स, ये लॉक और ये लॉक इस जगह से काफी ज्यादा आवाज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, इस जगह से काफी ज्यादा आवाज कर रहा है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे बहुत अच्छी तरीके से और इसको थोड़ा सा हम खुला कर देंगे, उसके बाद आवाज बिल्कुल ही चल जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसको फाइनली वॉश करके फिटिंग करके फिर मैं आवाज सुनाता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो, ये गाड़ी हमने पूरा फिट कर चुके हैं हम। तो और एक बार मैं दिखा दूं, जो हैंडल के साइड से फ्रेंड्स जो आवाज आ रहा था और टंकी वगैरह बिठा दिया हमने, जो हैंडल के साइड से जो आवाज आ रहा था वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आवाज जो था बिल्कुल रिमूव हो चुका है और हमने कोई भी हैंडल वगैरह नहीं खोला था, तो आवाज जो था फ्रेंड्स यहीं से आ रहा था। जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा कट चुका है इस जगह पे, तो इस वजह से जो वायर था वो कट चुका था। हमने क्या किया, थोड़ा बहुत ग्रीस लगाया, और दोस्तों यहाँ पे जो गैपिंग था ना फ्रेंड्स, ये गैपिंग बहुत कम हो चुका था, इसलिए जब भी घिस रहा था यहाँ से आवाज आ रहा था, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब कस्टमर को बढ़िया से डिलीवर कर देंगे और एक बार साफ सुथरा कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं फिर।